हाँ जी सर, कैसे हुक्म है, कौन लगाएगा हॉर्स को? गुरप्रीत जी बोलिए। रवि जी सर, 13 सितंबर 1987। ओके। टाइम जी 21:35। जगह जी करनाल में सर, करनाल हरियाणा में, करनाल। रहते वही हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। लो सर, देख लीजिए आपकी हॉरोस्कोप ठीक है जी? हाँ जी सर, यही है। देखो ये जो हॉरोस्कोप है इसकी डेट ऑफ बर्थ है 13, सर आप लिख लो सारे, 13 सितंबर 1987, 21:35। 21:35 ये करनाल का इनका बर्थ है। देखिए इनका क्वेश्चन है, काम आपने करना है, सब लोग इकट्ठे बैठ के करो, मैं नहीं करूँगा। इनका क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन इनका ये है कि इन्होंने जिंदगी में कभी भी आराम से कभी कोई काम नहीं किया है, बड़ी दिक्कतें आती हैं, प्रोफेशन में सेटिंग होने में दिक्कत आई है। और दूसरी बात यह है कि अभी कोविड में इनका जॉब छूट गया और अभी जॉब नहीं है। काम ये इंजीनियरिंग का करते थे, कौन सी कंपनी थी सर आपकी? सर ये एएलपी निशिकावा थी सर, यहाँ पे लालडू में है, डेराबसी के पास। एएलपी क्या बनाते हैं जी? लैब टेस्टिंग। लैब टेस्टिंग चलो कोई बात नहीं। आपने कौन सी इंजीनियरिंग कर रखी है जी? सर मैंने बीटेक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है और एमटेक मेटलर्जी से किया है। चलो एमटेक मेटलर्जी, ताजी आपको देखनी है जी सारी क्लास ने, और उसको देखनी है। देखो आपने इकट्ठे होकर देखनी है, सबसे पहले क्या है कारण, कोई दिमाग में आ रहा है? कोई बोलेगा कि जिंदगी में हमेशा इनको परेशानियां क्यों देखी? चलो मान ली बात, आगे चलो। फिर क्या होगा? देखिए सर मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूं, ऐसे नहीं। सबसे पहले लग्न होता है, लग्न का क्या सीन है, कितनी डिग्री का है? 2 डिग्री का 0001 1। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा लग्न? गंडांत भी बोल दो। चलो इसको क्या बोलेंगे हम, छिद्र लग्न भी बोलेंगे। तो यहां से आपको कुछ दिखाई देता है ना, जिस जो छिद्र लग्न में पैदा होता है उसको कभी भी कुछ जो है वो ट्रे में डाला हुआ नहीं मिलता। कभी भी सिल्वर स्पून के साथ पैदा, उनको अपनी बचपन से ही हर काम के लिए तरसना पड़ता है। मतलब क्या है कि जो काम जब होना है उस समय ना होके उसके बाद होता है। हर काम में परेशानियां आती हैं, चाहे वो कहीं का भी काम हो, घर का कोई काम हो, कोई भी काम हो, जिंदगी में फैसिलिटीज भी ना, जब वो आज मेरे को दिल करता है कि मेरे पास आज गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी तो मुझे मिलेगी, लेकिन उस जब आज नहीं मिलेगी, जब मुझे दिल करता है उसके बाद चाहे दो मिल जाएं, उसका रस खत्म हो जाता है। रवि जी समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। नहीं बात तो मैं सही बोलूंगा, यदि आपकी पत्री होगी तो बात भी सही बोली जाएगी, लेकिन मैं आपसे बुलवानी है बातें, ये क्लास से बुलवानी है। यस सर, ये बिल्कुल सटीक है, अभी तक मतलब कुछ भी एकदम आसानी से मिला नहीं है। हाँ तो अब एक तो बात ये पकड़ गई, ये तो बात पकड़ ली हमने कि लगन जो है 0.11 मिनट का है, डिग्री तो बनती नहीं अभी पूरी,
और ऊपर से कृतिका नक्षत्र का है, कृतिका नक्षत्र का लग्न है और कृतिका नक्षत्र का भी फोर्थ पद है, उसमें क्या है कि लग्न भी छिद्र है जिसको हम दंडात लग्न है या? और दूसरा चंद्रमा यहां पे पड़ा है उच्च का, वो भी अपने ही नक्षत्र में पड़ा है रोहिणी में। इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया कि इनको ओवर सेंसिटिव पर्सन बना दिया, ईगो जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट का भूखा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के से कभी समझौता ना करने वाला बंदा, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है मन बहुत दुखी होता है। क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए, गंडात नक्षत्र लगे पैदा लगन लगे पैदा हुए, और चंद्रमा जो उच्च का है उसका जो नक्षत्र भी चंद्रमा का ही है, इमोशनल बना दिया, सेंसिटिव बना दिया। इस ये हमारी वजह है, बाकी उसके बाद सेकेंडरी बातें हैं कि छठे का घर पांचवें में केतु के साथ चला गया, ठीक है जी, पांचवें बैठा है, केतु के साथ बैठा है, ये बातें हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन हमने कहां से जड़ पकड़नी है, हमने लगन से जड़ पकड़नी है। क्योंकि जो गाड़ी है उसका इंजन तो लगन में है ना जी, मेरी बात समझे जी, रवि जी ठीक है बात जी, बिल्कुल ठीक है सर, समझ गया सर। हाँ, और आगे और एक बात ले लो, बृहस्पति भगवान 12वें घर में बैठे हैं और केतु के नक्षत्र अश्विन में बैठे हैं, केतु के नक्षत्र अश्विन में बैठे हैं, जो केतु है बृहस्पति है ये बंदे को पैसे का भूखा नहीं बनाता, इसलिए परवाही नहीं। यदि अपने कैरियर को तंग, कैरियर को लेके कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किए, क्योंकि इस बात की कभी परवाह नहीं की, और केतु के नक्षत्र में बृहस्पति बैठा है, कमजोर है, षडबल में देखो बृहस्पति कमजोर है, 0.85 षडबल है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से जब गुस्सा आता है तो वाणी थोड़ी कठोर हो जाती है जो सामने वाले को तंग कर देती है। और बृहस्पति की एक राशि 8वें घर में पड़ी है, जो दूसरी राशि है उसमें राहु पड़ा है, तो ये बातें हैं जो इनकी जिंदगी की हैं, जो इनको सिखाने वाली हैं कि यहां से थोड़ा कंप्रोमाइज करो, जिंदगी बड़ी आसान बनेगी। तो ये बातें आपके लिए देखने वाली हैं, मेरी बात रवि जी समझ रहे हैं आप जी? समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। अच्छा, अब देखो मैंने आपसे पहले बात की थी कि भाई पत्री देखने का ठेका नहीं मैंने लेना, पत्री तो आपको सिखानी है कैसे देखनी है, अब इसके आगे को चलो भाई क्लास में से। मैंने आपको एक कुंडली में घुसने का रास्ता दे दिया है, अब इसके आगे आप चलो भाई, करो कुछ थोड़ी मेहनत। सर अगर इनका D1 और D9 देखें, उसमें जैसे हम प्रोफेशन के लिए देखते हैं D1 में, उसमें सॉरी असेंडेंट में, आप अपने पास दशा नोट कर लो, एक मिनट आप दशा नोट कर लो, जुपिटर जुपिटर जरूर जुपिटर 17-6 से जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई है, ठीक है सर? ओके, 17-6 से जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई है, जॉब जुपिटर में राहु में छुट्टी है जी आपकी 27 तारीख को छुट्टी है सर। 27 कौन सी? बस 10 दिन बाद, जुपिटर के शुरू होने के 10 दिन बाद। जुपिटर जुपिटर इसने आते ही जॉब खड़का दी, तो ये क्या है जी सर? बृहस्पति 10वें घर का 8वें घर का मालिक है, 12वें घर में पड़ा है और केतु के नक्षत्र में पड़ा है, तो ये इसके लिए मतलब आपको पता चल गया होगा कि बृहस्पति इनका इनके लिए कैसा है, मेलिफिक है, 12वें घर का स्वामी, 12वें घर में बैठा है, 8वें घर का स्वामी है, और इसकी जो दूसरी राशि है वो 11वें घर में पड़ी है जो राहु से पीड़ित है। अब इसका मतलब देखो, ये तो नहीं हम ग्रांट नहीं कर सकते कि आपकी दशा बृहस्पति की दशा है, कब तक चलनी है आपके पास देख लो, बृहस्पति की दशा जो चलेगी तो 2037 तक चलेगी। अब 2037 तक ये रास्ता कठिन है पार करना, तो उसके लिए हमें इसके कुछ उपाय देखना पड़ेगा भाई।
कुछ उपाय देखना पड़ेगा। गोचर का देखते हैं क्या सीन है। ये सब कुछ इनके लिए इसलिए हो रहा है कि इनका छठे का प्लैनेट जो है ना, छठे का मालिक जो प्लैनेट है बुध, वो पड़ा है पांचवें घर में केतु के साथ, पड़ा है केतु के साथ पड़ा है, इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। लग्न का स्वामी भी वहां पड़ा है इसलिए इनके साथ हो रहा है, ये तो मानते हैं बात, ठीक है। लेकिन ऐसे तो ग्रांटेड नहीं छोड़ सकते, सैटर्न इनका योगाकार प्लैनेट है तो उसकी को मदद लेके देखते हैं। या फिर और क्या, थोड़ा थोड़ा बताओ भाई, तू आप थोड़ा काम तो करो, ऐसा नहीं काम चलेगा। बोलो बेटे, योग भी बन रहा है वीनस और मरकरी का, इसमें पांचवें घर में, जैसे मरकरी तो उच्च का होके बैठा है ना, हाँ जी, अपनी राशि में तो इंटेलिजेंट तो ये बहुत है। चलो ठीक है जी, कौन सा योग बन रहा है जी? और मार्स यहाँ बैठा है, तो कंसल्टिंग का काम इनको रहेगा। केतु साथ में बैठा है उसके, वीनस के साथ कुछ प्लेस्टेशन। आपने आपने बृहस्पति नोट कर ली, आपने देख ली ना बृहस्पति की दशा चल रही है। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, ये मल्टीपल चार्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है जी। ये लो आप देखो चार्ट, चलो चलित भी दिखा देते हैं, पहले ये देख लो। पहले आप D1 देखें, D9 देखें, D10 देखें, ठीक है। D30 भी देख सकते हैं, जरूरत है तो D30 भी दिखा देता हूं, लेकिन अभी यहां से ही चलो, यहां से ही चलो तो क्या है। तो अब मैं आपको भाव चरित्र में भी ले जाता हूं। पहले इसको अच्छी तरह से देख लो। वीनस बड़ा कॉमन आ रहा है, देखो तीनों में कॉमन आ रहा है इसे। सैटर्न तीनों में कॉमन आ रहा है जी, सैटर्न तीनों में कॉमन आ रहा है जी। वीनस और सैटर्न की कुंडली, बिल्कुल ठीक बोला शर्मा जी ने, बहुत बढ़िया शर्मा जी, ए क्लास बोला। ये कोई अच्छी कंपनी में सर इसलिए उपाय करके कोई बढ़िया साइटली कोई काम करे तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ब्रांड वाली कंपनी में जॉब सर। कितनी देर का एक्सपीरियंस है सर आपको? सर मुझे अभी 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, स्टेबिलिटी आज तक नहीं हुई मेरी। 4-5 साल मैंने टीचिंग की है, उसके बाद मैंने इंश्योरेंस का भी काम किया है, इंश्योरेंस का काम नहीं जमा, फिर मैं कंपनी में घुस गया, मतलब एक जगह मैं कभी टिका नहीं सर। अभी कंपनी में 3 साल किया था, तो 15 तारीख को सर मेरी जॉब चेंज हुई थी, मैंने मेरी सैलरी बढ़ गई थी दूसरी कंपनी में, तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन विद इन 10 दिन के अंदर वो जॉब छूट गई मेरी। मैंने ही छोड़ दी, पता नहीं क्यों क्या हुआ। बृहस्पति ने डिस्टर्ब कर दिया, बृहस्पति ने डिस्टर्ब कर दिया आपको। नहीं बेटे ऐसा है, छठे घर का स्वामी जैसे यहाँ बैठा ना, वो तो ठीक है। 10वें घर का स्वामी 5वें बैठा हो वो तो अच्छा होता है जी। अच्छा होता है सर, वो तो अच्छा ही होगा नेचुरली। बंदा अपने प्रोफेशन में अपनी कला का प्रदर्शन करेगा, हौसले का प्रदर्शन करेगा, कुछ नया ऐड करेगा। सिक्स सेट कर लो। इन्होंने इंजीनियरिंग किस उस फील्ड में करी है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेनिकल की है। मैकेनिकल और 10th हाउस का अपने से 8वें घर में वो ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं होता, अपने से 8वां कोई बात नहीं,
सबसे पहले देखो आठवें घर में बहुत होता है ना, आठवें घर तो कला का पूरा खजाना है वहां पे इनका। देखो पांचवा घर जो है इनका, वो इनकी कला, इनकी इनकी क्रिएटिविटी, इनका हौसला, उसका खजाना आठवें घर में नीचे छिपा हुआ है। वो उसमें वो बंदा यूज करता है, लोगों को सरप्राइज करता है अपना काम करने के बाद। इन्होंने कई बार किया होगा लोगों को, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, जो दूसरे लोग हैं इनसे जेलस हो जाते हैं और प्रॉब्लम इनको आ जाती है। कई बार इनके सुपीरियर इनसे जेलस हो जाते हैं, काम के काम करते हैं तो वो इनकी बात को आगे नहीं बढ़ने देते मैनेजमेंट के पास। उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम सफोकेशन तो वहीं से स्टार्ट होती है इनकी। क्यों क्यों रवि जी, क्लास में सुना था मैंने कि जो टेन हाउस का अगर एट में बैठा, अपने एट हाउस में बैठा होगा तो वो एक काम में नहीं टिकता पर्सन। वो चलो बात अलग है रवि जी, मैंने जो बोला ठीक है ना जी? बिल्कुल सही बोला सर। जो लास्ट जॉब छुट्टी है वो मेरे जो बॉस थे वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी, मेरी सैलरी मेरे बॉस की सैलरी से ज्यादा लगती थी तो वो मुझसे है ना चिढ़ने लग गया। आपकी जो आपकी जो क्रिएटिविटी है उससे बॉस जो है अनसिक्योर महसूस करते हैं, साथ वाले अनसिक्योर महसूस करते हैं, वो आपके लिए सफोकेटिंग माहौल पैदा करते हैं। हाँ सर, इतना ज्यादा सफोकेशन हो गया कि मैं आपको सच्चाई बताऊं 27 तारीख को मैं पता नहीं अपने आप ही रोने लग गया और मैंने जॉब क्विट कर दी। जिन्होंने बोला था ना दसवें अगर पांचवें में, दसवें का मालिक पांचवें में हो, बेटा जी कौन है आप? दसवें का लॉर्ड पांचवें में बोलता थे, बोले थे इसलिए खराब हो रहे हैं। कौन है आप, किसने बोला? आदित्य जी मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि ठीक है आपने सुना होगा, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपने किसी गलत सुना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दसवें घर का मालिक जब पांचवें घर में आता है और पांचवें घर के जब प्रोफेशन की बात होती है, पांचवें घर के साथ जब प्रोफेशन की बात जुड़ती है तो उसमें पांचवा घर हौसले का, पांचवा घर क्रिएटिविटी का, पांचवा घर प्यार का, स्नेह का होता है और सूर्य का होता है, अपने काम पे प्राउड करने वाला बंदा होता है। लेकिन जब ऐसे घर में, ऐसे घर में क्योंकि ये दसवें का आठवां है इसलिए इनकी जो, यदि ये बढ़िया काम करते हैं इनकी क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। इनके बॉस जो होते हैं, ये सूर्य का घर है, जो इनके बॉस होते हैं, सूर्य होता है बॉस, जो इनके बॉस होते हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। छठे घर का स्वामी यहाँ पे बैठा होता है तो साथ में जो काम करते हैं वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं, मेरी बात समझे? तो उसके लिए इनको प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आई होगी। रवि जी बोलो। चलो मैं आपको अब क्लियर होगी ना बात आपकी? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। ये बातें क्लियर करनी है, कुछ और बोलो फिर, थोड़ा सा कोई बोलो ना क्लास वाले, कुछ मेरे को भी खुश करो भाई कुछ बोल के। इतनी इंटेलिजेंट क्लास है आपकी, मैं आपसे बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। सर मेरे इशू जो है इस वक्त ये चल रहा है कि इनका मून और लगन दोनों के ऊपर से इस वक्त राहु के तो एक्सिस के ऊपर है। हाँ वेरी गुड, बड़ा इशू है ये। बिल्कुल दसवें घर का स्वामी, हाँ देखो पकड़ लिया, दसवें घर के स्वामी के ऊपर राहु है, अना केतु है और जो लगन है और चंद्रमा है उसके ऊपर राहु है, उसके ऊपर से, उसके ऊपर राहु। सर जो सैटर्न है जो इनका कार का बनता है लेकिन इस वक्त ट्रांजिट के अंदर वो अपने 12th के अंदर गया हुआ है, जब तक ये रेट्रोगेशन को नहीं छोड़ेगा तो अपने 10th हाउस को ज्वाइन नहीं करेगा, ये स्थितियां जो है इनकी बनी रहेंगी। सैटर्न का एक्वेरियस में जाना इनके लिए बहुत जरूरी है, मीनवाइल राहु और केतु जो है वो भी अपनी डिस्प्लेस हो जाएंगे, तब तक इस टाइम के अंदर इनको मेड भी हो सकता है आगे स्टेबिलिटी मिले। तो आपका कहने का मतलब है कि राहु केतु 23 से 27 मार्च के अंदर चले जाएंगे और जो सैटर्न है ये 22-23 अप्रैल को चला जाएगा। आपके कहने के मतलब है ये कि सैटर्न के बदलने के बाद इनकी लाइफ जो है स्टेबल हो जाएगी। सर इनके ना जो नॉर्मल चोर्स होते हैं उनके अंदर इनको एक इनकम और एक करियर दोनों की तरफ से स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी सर इसके अंदर। अभी तो जो प्लेनेट है जो सिग्निफिकेटर है 10th का वो भी हमको 12th के अंदर मिल रहा है मून से, दो साइड हो गया ना इनका लगना, लगना भी और मून लगना भी, दोनों साइड से पोजीशन जो है हमारे को सैटर्न की साइड धकेल रही है और राहु के तो इनको बीच में ग्रैब कर रहे हैं,
और मोर ओवर इसमें जुपिटर भी हमको मिलेगा आगे जा करके, जुपिटर की पोजीशंस भी ठीक होंगी आगे, बिल्कुल ठीक है। रेट्रोग्रेशन तो मस्ट आई थिंक। चलिए मैं आपकी आपकी बात से काफी ज्यादा सहमत हूँ, लेकिन इनके लिए क्या है ये तो हमें बनता है, लेकिन इनके लिए सबसे समय क्या है इस समय कि इनको चंद्रमा अपना मजबूत करना है, वहाँ पे राहु चल रहा है, लगन पे राहु चल रहा है, ये दोनों चीज़ें खराब हैं बंदे का मनोबल के लिए। इस समय ये काफ़ी अपने आप को लो फील करते होंगे, रवि जी करते हैं ठीक है। तो राहु तो आप देखिए, चलो लो फील करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनको चंद्रमा का, देखिए चंद्रमा यहाँ तीसरे घर का स्वामी है, लगन में बैठा है, इसका इनके पराक्रम का स्वामी है। चंद्रमा भी सर जो है वो राहु के मृत्यु भाग अंश में है, और राहु अब आने वाला भी है मृत्यु भागा के लिए। क्या है कि हम यहाँ पे दो चीजें बैठी हैं, यहाँ पे राहु का मृत्यु भागा भी है और प्लैनेट्स का भी मृत्यु भागा है, तो इसमें हम गोचर में जब जाएंगे हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या लग रहा है, हमें कोई बेदा पड़ रही है, बेदा भी आप देखो उस समय, एट द सेम टाइम सर्वोत्तमद्रा में देखो आप जाके कि उस समय कोई और प्लैनेट तो नहीं है जो हमें बचा रहा है। हमें ये सबसे पहले, कुछ भी बोलने से पहले हमें ये चीज़ें देखनी है, समझे ना मेरी बात, हमें ये देखना है कि बचेंगे कैसे, हम बचेंगे कैसे ये देखना है। चलो ये ट्रांजिट रिलेटेड स्क्रीन आ गई, और उसके बाद यहाँ पर सर्वोत्तमद्रा चक्र भी है, या इसी से सर्वोत्तमद्रा भी चक्कर लगा सकते हैं। रिपोर्ट ये इसमें है सर्वोत्तमद्रा चक्र, ये लो, ये लगा लो सर, बगल वाले में आया था, आ गया जी, आ गया, आ गया, ये देख लो। चलो देखो इनका क्या सीन है, देखो क्या कर रहा है इनको, अश्विनी नक्षत्र में क्या है इनका, अश्विनी नक्षत्र में क्या है, जुपिटर, राहु का वेद चल रहा है, दिखाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राहु का वे चल रहा है, ठीक है जी, आपको दिखाई दे रहा है जी। अच्छा और दूसरा इसमें क्या है आप देख रहे हैं, और देखो मुझे बताओ आपको सर्वोत्तमद्रा चक्र में इसे यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है बताओ। पुष्य नक्षत्र को देखिए, आप लोग करो यार काम करो कुछ यार, इतनी बढ़िया क्लास है आपकी, इतना सर, कुछ पढ़ा है सर, सर, सर एक बात बोल रहा हूँ मैं, हाँ जी, आज इनका मून पुष्य नक्षत्र में है, मून को स्टेबिलिटी है, तभी हम चर्चा कर रहे हैं कि इनका कोई समाधान हो। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मून को स्ट्रेंथ मिली है पुष्य नक्षत्र की ना। हाँ जी हाँ जी, देखिए सर्वोत्तमद्रा चक्र में बताइए कुछ सर, इनका पूर्व फाल्गुनी में है, सन भी और मार्स भी, और मगा में तो भी नहीं है वैसे, मगा तो नहीं आ रहा सर, सैटर्न का श्रवण का धनिष्ठा पे आ रहा है, एक तो धनिष्ठा में वैसे कुछ है नहीं इनका, है इनका है नहीं ना, जुपिटर जुपिटर है ना इस टाइम, अभी जुपिटर है इनका, ज्येष्ठा में सैटर्न है ना सर, हाँ जी, नेटल का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ज्येष्ठा में उसमें भी मून का ही आएगा आज तो फिलहाल, ऐसे नहीं लगाते यार सर, वो तो बदला जगह ऐसे थोड़ा लगता है, चलो कोई बात नहीं सर, इसमें तो एक ट्रांजिट का आ रहा है सर, दूसरा आ ही नहीं रहा, नेटिव नहीं दिख रहा है यार, वो तो आपको आना चाहिए ना इसी में, सर्वोत्तमद्रा चक्र तो इसी से देखते हैं, इसी आराम से आना चाहिए आपको, ऐसे बैसाखियों पे नहीं चलना कभी आपको, इमीजिएट आपको तो हाथ से सर्वोत्तमद्रा चक्र विद इन 8 मिनट्स आपका चार्ट भर के आपको लिखना होता है, हमारे में 8 मिनट में हम नहीं भरते थे तो हमें गाली पड़ती थी, 8 मिनट में पेपर शीट पे भर के उस पर बोलना होता है, ऐसे थोड़ो रेडीमेड आ गया इसका मतलब ये थोड़ो भी आप काम करना बंद कर दो, ऐसा जरूर चलेगा यार काम,
अपना प्रैक्टिस करो, हाथ से प्रैक्टिस करो। जब आपका देखो आप कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कहीं आपके पास सॉफ्टवेयर भी नहीं है, सर्वर वगैरह चक्कर लगा सकते हैं आप, तो आपको सब कुछ आ गया, लेकिन आपको इस तरह आपको पता होना चाहिए। मून अभी सैटर्न अभी सर्वना नक्षत्र में है, ट्रेवल कर रही है, यहाँ से निकलेंगे तो इनको थोड़ा सा लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि मून जो है, मून भी खुद भी अपने नक्षत्र। आपको दो तीन चीजें सीखो सर्वतोभद्रा चक्र में, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, मैं इस सब्जेक्ट पे बोलना नहीं है, क्योंकि आपको कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं। आपको सर्वतोभद्रा चक्र पे बातें ये सीखनी है कि रिपेयर कहां से होना है, जो हो रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा है। सर्वोत्तमद्रा चक्र का सबसे ज्यादा यूज ये होता है कि हमने इससे निकलना कैसे है। चक्रव्यूह में फंसे हैं अभिमन्यु, या कोई चक्रव्यूह में फंसा है, सबसे बड़ी बात होती है वहां से निकलना कैसे है। अभिमन्यु को निकलना नहीं आता था, वो मर गया वहां पे, उसके साथ एक और था उसको निकलना आता था, निकल गया, दो बंदे थे उस दिन अभिमन्यु चक्र में फंसे हुए। सर्वोत्तमद्रा चक्र आपको यह बताता है कि निकलना कैसे है, ठीक है ना। आप वहां नहीं जा सकते प्राया पे चले जाओ, आप वहां नहीं जा सकते कक्षा में चले जाओ, बहुत सी चीजें हैं ट्रांजिट में, आप वहां एक कक्षा को, कक्षा का सहारा लेके आप निकल सकते हैं। आपको चक्र व्यू से निकलना आना चाहिए सर्वोत्तमद्रा चक्र में। आपको सीखना है कि कक्षा का सहारा लेके हम सर्वोत्तमद्रा, कक्षा का सहारा ले में कि हम गोचर से कैसे निकल सकते हैं बाहर, क्योंकि 2.5 साल का चक्कर है सैटर्न का। इसका मतलब यदि हम कक्षा का सहारा नहीं ले सकते, 2.5 साल अंदर रहेंगे या 2.5 साल किसी परेशानी में रहेंगे। जैसे आपने बोला कि जब सैटर्न इसका जाएगा 11वें साइन में तब इसको नौकरी मिलेगी, दिस इज ऑल रबिश। मैं आपको आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आपको अच्छे तरीके पर लाना चाहता हूं कि हमने तो देखना है हमारे पास क्लाइंट दुखी होकर आया है, उसको सहारा कैसे देना है, उसको कैसे बचाना है। सर इनका सहारा सर मून से ही है, इनका मनोबल गिरा हुआ है इस समय, और जुपिटर की दशा चल रही है जो 11वां और 8वें का वो है। मैं आप लोगों को जो बात करता हूँ मैं उसको एक्ट करता हूँ। ये लोग मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपके साथ सामने होके दिखाता हूँ, ये लो मैंने खुद आज भी देख लो, मेरे को अभी भी मून को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, अपने को यहाँ पे मोती डाल रखा है, ठीक, क्योंकि अभी मेरा इफेक्ट जो है वहाँ से निकला नहीं है, तो मैं चेन नहीं डालता, मैंने अंडरशर्ट पे डाल दिया मोती। तो क्या था कि मून को बहुत बड़ी अफ्लिक्शन थी, ऐसे समय में जब आपको एक चीज, आप मंत्री से लड़ सकते हैं, सेक्रेटरी से लड़ सकते हैं, जब CME आपको अंदर करने पर आ गया कैसे बचोगे। तो चीजें आपको सबसे पहले आपका मून जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप परिस्थिति को समझोगे, तभी आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। जॉब इतनी अच्छी खासी इनको मिली, आपने देखो इनकी हिस्ट्री, इनको अच्छी जॉब मिली, उसके बाद क्या किया इन्होंने, वहां पे छोटा सा अपना प्रदर्शन करके खुद ही बाहर आ गए। क्यों बाहर आ गए कि चंद्रमा वाइज अफ्लिक्टेड, लग्न वाइज अफ्लिक्टेड, तो ये इसलिए बाहर आ गए। बृहस्पति जो था वो अच्छा नहीं है इनके लिए, मेलिफिक है इनके लिए, तो वो प्रोफेसर के घर में चल रहा था, तो वो आप देखो किसकी कक्षा में चल रहा था, क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, ये रिसर्च किया करो, एक कुंडली को खंगाल के उसमें काम किया करो उस पर कि बृहस्पति कौन सी डिग्री पे था, क्या कर रहा था, तब फायदा है इसका। ट्रांजिट का फायदा तब है जब हम ये देखें क्या हो रहा था। 10वें घर में तो काम मिलता है, काम तो दिलवा दिया सैटर्न ने, जॉब तो चेंज हो गई बृहस्पति की वजह से, लेकिन ह्यूमिलेशन हो गई 8वें घर की, क्योंकि मालिक तो 8वें घर का है, 12वें घर में लॉस हो गया जॉब का, तो क्यों हो गया। ये बातें आपके लिए रिसर्च की हैं, उसमें देखो बृहस्पति केतु के नक्षत्र अश्विन में है, वहां बंदे के पास पेशेंस नहीं है क्योंकि बृहस्पति कमजोर बैठा है, चंद्रमा ग्रसित है राहु से, उसके समझ कुछ नहीं आता, राहु उसके ऊपर धुंध बना के बैठा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा, लगन ऐसे भाव में है कि जब इसका सॉफ्टवेयर ही खराब हो गया तो हार्डवेयर तो पहले ही पिटा हुआ है,
लगन हार्डवेयर होता है, चंद्रमा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर पहले से पिटा हुआ है, जब सॉफ्टवेयर यदि गाड़ी का स्ट्रक्चर भी खराब है, ऊपर से इंजन भी खराब हो जाए तो करोगे क्या? सॉफ्टवेयर राहु से ग्रसित है, लगन पहले छिद्र लगन में है, जिसको छिद्र लगन बोल दो, गंडात लगन बोल दो, तो पहले से टूटा हुआ है, चारों तरफ से अटैक हो गया। ठीक है जी, जब अटैक हो गया तो परेशान है। दसवें घर में सैटर्न बैठा है, वहां से छठे घर को देख रहा है, देखो छठे घर को देख रहा है, तीसरी दृष्टि से राहु को एक्टिवेट कर रहा है, चौथी दृष्टि से चंद्रमा की जड़ में बैठ गया, पराक्रम की जड़ में बैठ गया। सैटर्न ने क्या किया, एकदम डाउन कर दिया, डिप्रेशन में डाल दिया, रोने लग गया बंदा, रिजाइन देके बाहर आ गया, स्टोरी तो अपने आप बनती है। तो ऐसे हमने इसको देखना है जी, ये देख लिया। रवि जी मैं ठीक बोल रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अब ऐसे बोलना है आप लोगों ने, सारी क्लास ने ऐसे बोलना है, तभी बात बनेगी। तो उसके बाद अब देखो, अब आपको ट्रांजिट लगाओ, गोचर लगाओ, जो आपको कक्षा में आता है। सिंपल ट्रांजिट भी बहुत होता है। देखिए जिस बात जो आपको ये डंडा चलाना आता है ना, और साथ में एके 47 पड़ी है, वो आपको चलानी नहीं आती है, तो कई बार एके 47 पड़ी रह जाती है, बंदा सिर पे डंडा मार के चोर को मार देता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग, आपके सारे टूल आपको आने चाहिए, कोई टूल जो आपको आता है वो आपका है। देखिए सबसे पहले आपको क्या सीखना है, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न सीख लो, सैटर्न के प्राय सीखो, सैटर्न की कक्षा सीखो, ट्रांजिट ऑफ बृहस्पति सीख लो, बृहस्पति के प्राय सीखो, बृहस्पति की कक्षा सीखो, कक्षा कैसे आती है इसके ऊपर समय लगाओ, कक्षा को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर समय लगाओ, फिर हमने जब कक्षा गलत में प्लैनेट आ गया उसका उपाय कैसे करना है। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, देखिए आपको आज दो तीन सब्जेक्ट नए किए हैं। इस आओ हॉरोस्कोप देखें या आओ पत्री पढ़ें, किस एपिसोड में आपने देखा कि एक व्यक्ति की नौकरी चली गई, क्यों चली गई, जब दशा बदली, और क्यों चलेगी, क्यों, सैटर्न गलत कक्षा में जा रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, तो उसको कैसे ठीक करना है, ये अगले एपिसोड में भी आएगा। मैंने आपको कक्षा के बारे में थोड़ी डिटेल बताई, अगले एपिसोड में आपको कक्षा की पूरी डिटेल मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।